मोदी सरकार आम चुनाव से पहले तीन तलाक बिल को भुनाना चाहती है, लेकिन विपक्ष सरकार की राह में रोड़ा बना हुआ है। राज्यसभा में ये बिल दो सत्रों से लटका हुआ है, लेकिन इस बिल को लागू कराने के लिए सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी। यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा। सरकार के पास अब बिल को शीत सत्र तक पास कराने का वक्त है। मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को पास कराने की तमाम कोशिशें की। सरकार ने इसे जैसे तैसे लोकसभा में तो पास करवा लिया, लेकिन राज्यसभा में ये बिल अटक गया। उसके बाद सरकार ने मॉनसून सत्र में इसे पास कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन विपक्ष के तेवर गर्म रहे। सत्र खत्म होने से एक दिन पहले ही सरकार ने बिल में तीन अहम संशोधन किए, जिसके तहत तीन तलाक बिल को गैर जमानती अपराध तो माना गया है, लेकिन संशोधन के हिसाब से मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार दे दिया गया। यानी जेल भेजने और बेल देने का फैसला मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया गया है, जिस पर विपक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति है। विपक्ष का कहना है कि अगर महिला की शिकायत पर पुलिस को जेल भेज दिया जाएगा तो पत्नी और बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। ऐसी स्थिति में सरकार को इन महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करना चाहिए, लेकिन सरकार ने संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जोड़ा। विपक्ष के तीखे तेवर देखकर अब केंद्रीय कैबिनेट इस पर अध्यादेश लाई है। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि हमारे सामने 430 तीन तलाक के मामले हैं। इनमें से 229 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और 201 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के हैं। हमारे पास तीन तलाक के मामलों में पुख्ता सबूत भी हैं। ऐसे में इनसे निपटने के लिए एकमात्र रास्ता तीन तलाक बिल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें रोड़ा अटका रही है। उन्होंने कहा कि हमने करीब 5 बार कांग्रेस को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस ने इसे पास नहीं होने दिया। कांग्रेस इस पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वहीं सरकार के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिले। भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।